उनसे मेरा आग्रह कि वो मंच पर विराजमान हो। मेरे भाई महेश वशिष्ठ जी जिला सचिव गुड़गावा से मेरा आग्रह कि वो भी मंच पर विराजमान हो। ये प्यार का प्रतीक जो त्योहार है उसके नाते से आज हमारी बहनों ने ये रक्षाबंधन का जो त्यौहार मनाने का निर्णय लिया था उस त्यौहार में हजारों की संख्या में हमारी बहनें आई हैं और ये जो हमारी संस्कृति और सभ्यता उसका प्रतीक है और इस दिन भाई भी साथ साथ आए हैं। वो अपनी बहनें अपने भाइयों को रक्षा सूत्र बांधेंगी और भाइयों में जो आज देश में जो वृद्धि है उससे एक ये संदेश जाने वाला है कि मेरी बहन तो मेरी बहन है लेकिन दूसरे की बहन भी मेरी बहन है, इसलिए अपनी बहनों की रक्षा सुरक्षा करने का आज संकल्प मैं बहनों के प्रति जितने भी हमारे युवा या पुरुष आए हैं वो इस प्रकार का संकल्प लेंगे और ये एक अच्छी परंपरा होगी और इससे जो हमारे पुराने जो सीख है जो हमारे बुजुर्गों ने हमको दी थी, जो हमारी संस्कृति ने हमको दी है उसका परिपालन करते हुए आगे भी बहन और भाई का रिश्ता बना रहे। किसी भी बहन पे कोई आपत्ति विपत्ति आती है तो भाई उसकी रक्षा सुरक्षा ले खड़ा रहे, इस बात को लेकर के आज ये त्यौहार मनाया जा रहा है। मैं आज इस पावन पवित्र रक्षाबंधन के त्यौहार में अपने सभी बहनों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। चुनाव का डंका बज चुका है, क्या खुशी रहेंगे? चुनाव में स्वाभाविक तौर पे विकास का मुद्दा रहता है। जो 10 साल में हमारी सरकार ने जो काम किया है
वो और साथ में जो जिस प्रकार से क्षेत्रवाद को समाप्त किया और सारे हरियाणा को एक लेकर के चलने के कारण से आज भारतीय जनता पार्टी का मनोबल ऊंचा है। और जो हमारी बहनें हैं और बहनों के लिए जो मोदी जी ने किया है, जिसको मैं ये मान के चलता हूँ, देश के प्रधानमंत्री ने जो विश्वास व्यक्त किया था महिलाओं पे, युवाओं पे, किसान पे और गरीब पे, तो वो सारा काम जो हुआ है उसके नाते से भारतीय जनता पार्टी मैदान में उतरेगी। और जो बहनों का आशीर्वाद मोदी जी को मिला है, उसी प्रकार से बहनों का आशीर्वाद हमें भी प्राप्त होगा, हमें भी प्राप्त होगा। ये उद्देश्य लेकर के हम आए हैं और आने वाले समय में भगवान कृपा करेगा, पार्टी मुझ पर विश्वास करेगी और मेरा पार्टी के प्रति विश्वास है और समर्पण है, सिद्ध किया हुआ है। इस नाते से एक समर्पित कार्यकर्ता को पार्टी अपना कर सेवा का जो संकल्प है वो करने में हम समर्थ हैं।